नमस्कार, मैं हूं दीपाली और अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मुरैना जिले में मुरैना मुख्यालय में 35 किलोमीटर दूरी पर ग्रामीणती में त्रेता युगनी शनि मंदिर पहाड़ों के बीच स्थित है। यहां पर हर शनि शायरी अमावस्या को मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ पर बाल कटवाकर शनि मूर्ति पर तेल चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी की जा सकती है। इस मेले में मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि प्रांतों से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ प्रशासन के द्वारा रेल विभाग की तरफ से भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष रेल सुविधा दी जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ आकर अपनी सारी समस्याओं का निवारण शनि मूर्ति के सामने दर्शन मात्र से ही हो जाता है। यह शनि मूर्ति भारत देश में ऐतिहासिक स्थान पर ही पाई गई है। बताया जाता है कि यह मूर्ति त्रेता युगीन है, जहाँ पर हनुमान जी ने लंका से जब इसे फेंका तो वह मूर्ति ऐतिग्राम पहाड़ पर आकर विराजमान हो गई। मौजूदा शनि मंदिर से नीचे गर्भागृह में एक शेषनाग भी विराजमान रहते हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि यह शेषनाग शनि भगवान का ही रूप है, जिसके दर्शन मात्र करने से श्रद्धालुओं के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मुरैना के ऐतिग्राम से हमारे संवाददाता आर डी शर्मा की खबर। मैं मनिया चौकी नौता गांव से राजस्थान से आया हूँ। क्या मानते हैं शनिदेव की दर्शन करने आए हो, अमावस्या है? शनिदेव से मांगते हैं सर कि अपना जो कष्ट है वो कष्ट मिट जाए, ये ऐसी आस्था है हमारे शनिदेव के ऊपर और हमारे कष्ट मिटते हैं शनिदेव। इससे पहले आप कभी आए हो? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। तो मतलब क्या आपने सोचा है, किससे आपने ये सुना है कि यहाँ आने से कष्ट होते हैं? मैंने अपने जो गांव के लोग हैं वो भी कई बार आए हैं यहाँ, और दूसरों के द्वारा ये भी सुना है कि यहाँ आने से कष्ट मिटते हैं और संकट मिटते हैं, इसलिए मैं यहाँ। मैंने शायद हो सकता है कि शनिदेव हमारे भी कष्ट मिटे। कहाँ से आए? चौकी नौता गांव मनिया राजस्थान। पूर्ण बिंदु है महत्व, तो शनि मंदिर का पूरे विश्व व्यापी महत्व है। पूरे विश्व में एकमात्र ये मंदिर माना जाता है, और यहाँ ऐसा माना जाता है, जो लेख हैं, जो पुरातत्व है, जो हमारे पौराणिक महत्व हैं, कि त्रेता युग में लंका में जब हनुमान जी आग लगाने के लिए उद्यत हो रहे थे तो शनि महाराज वहाँ मिल गए, और आपस में जो परिस्थितियाँ थीं उन परिस्थितियों के बीच में हनुमान जी ने उनको यहाँ भेजा, और तब से ये मंदिर है। बीच के जो मध्यकालीन शिलालेख हैं और चीज़ें हैं उनके अनुसार विक्रमादित्य के ज़माने में यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करा, विक्रमादित्य ही ना, कराया गया था, और दौलतराव सिंधिया जी ने भी पुनरुद्धार कराया, और वर्तमान में पिछले कई वर्षों से या इसका पुनर्निर्माण वृहत निर्माण का कार्य चल रहा है। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से, महीनों मेहनत करके, कई मीटिंगें लेके कई बिंदुओं पर तैयारी करता है। विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब ग्वालियर रीगल ने ग्वालियर स्मार्ट सिटी सहयोग से साइकिल रैली का आयोजन रविवार को किया। निकलो निकलो। यहाँ सभी युवा है अपने स्वास्थ्य को लेकर, जैसा कि आप देख रहे हैं दिन ब दिन पर्यावरण की और हमारे स्वास्थ्य की हालत खराब हो रही है। बच्चों तक को हार्ट अटैक आ रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। किडनियां फेल हो रही हैं। इस पर्यावरणीय माहौल में अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, और साइकिल हमारे लिए कितना महत्व रखती है? सर, हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर एस सी कपूर साहब, मेडिसिन के प्रोफेसर थे, उनका ये कहना था, अगर लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो जल्दी सो और जल्दी उठो। अर्ली इन द मॉर्निंग राइज एंड अर्ली नाइट इज ऑन बेड स्लीप। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो जो ऑक्सीजन की मात्रा है, मोनोऑक्साइड हट करके सुबह सुबह ऑक्सीजन बढ़िया मिलती है, जो कि ब्रेन में और ब्लड में जाके घुलती है, उससे संचार सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रेश होता है। अब रही बात साइकिल की चलाने से, जो अक्सर आप देखा है कि बच्चों का भी पेट निकल रहा है, जब बच्चों का पेट निकल रहा है तो इस वजह से कि फैट ज्यादा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है, खाते पीते पीजे वगैरह ये सब खाते, अंग्रेजी सिस्टम सब खाते रहते हैं, तो ये सब खाई खा लो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम सुबह अगर 2 घंटे साइकिल चलाओगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रेन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फिजिकल और फिजिकल फिटनेस,
दोनों बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी और भोजन भी अच्छा लगेगा, और भोजन जो भी आप खाएंगे उससे ब्लड बनेगा और संजारिटी होगी। साइकिलिंग का मतलब यह है कि सारी की सारी एक्सरसाइज साइकिल में है, अकेले ये मतलब नहीं है कि साइकिल चलाने से हम सारी एक्सरसाइज अलग से करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर साइकिल चलाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो सारी की सारी सिस्टम, सारी सारी अपना जो एक्सरसाइज विधि है सब उसमें समाप्त है और सब उसमें पर्याप्त है। श्री 108 अविचल सागर जी की प्रेरणा से ग्वालियर नगर के 75 जनालों में संस्थाओं के पदाधिकारियों के संवाद हेतु एक बैठक आयोजन महावीर भवन कंपू पर किया गया, जिसमें ग्वालियर के लिए महानगर समिति बनाने का निर्णय लिया गया। पिछले पांच साल से मैं जब भी संघ से समाचार लेता हूं तब मुझे सुनने में आता है कि आचार्य श्री का ग्वालियर के लिए गोपाल छलगी में बिहार होने की संभावना है। खजुराहो में भी सुना, भोपाल की बात भी सुना, लेकिन अब ग्वालियर में जब मैं आ गया तो गलती से, योग से, संयोग से जैसा भी आ गया, तो मुझे लगा ही नहीं कि यहाँ कोई आचार्य श्री के लिए कोई तृष्णा है, तड़प है, इच्छा है, भावना है, कोई कोशिश कर रहा है। अब वो एक अपने दो तीन पारस जी है, दो तीन और लोग हैं, मैं सृष्टि मानवों के नाम पूरे लोगों के नहीं जानता लेकिन चेहरे से परिचित हूँ, वो लोग प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें खत्म करके एक समाज, एक सूत्रबद्ध हमारा श्वेतांबर समाज, 13 पंथी समाज, 20 पंथी समाज, सारे अपने अपने जिलालयों के जो का कोई भी हमें विरोध नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतनी भावना है कि साल में एक बार, सिर्फ एक बार क्षमा वाली महापर्व एकत्रित होकर के सिर्फ जो वर्तमान कमेटी रहेगी, कमेटी है उसके जो पदाधिकारी जन है वो एकत्रित होकर के ऐसे अनुष्ठान करे। और आने वाले समय में दूसरी भावना मेरी यह है कि जन कल्याणकारी हमारे द्वारा होता रहे। कभी कभी इस सभा में बोलने में भी थोड़ा सा संकोच होता है कि हमारे जैन समाज के ऐसे गरीब परिवार बंधु है जो बर्तन आदि का काम करने में वो मजबूर है कि हमारे समाज का कोई उसके लिए सहयोग ही नहीं मिल पाता, और उसका एक ही कारण है कि हमारे इतना श्रेष्ठ समाज होने के बाद भी एकत्रित नहीं होने की वजह से बहुत सारी। अनुपम चौधरी जैन। किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया जैन समाज में, क्या किस तरीके का? ये जैन समाज में एक पहली बार एक अद्भुत कार्यक्रम है जिसमें हमारे जो जनालय हैं 75 यहाँ पूरे शहर में और करीब करीब 60 संस्थाएं, उन सबके मुख्य 5 पदाधिकारी को हमने आमंत्रित किया है और उनसे एक संवाद कार्यक्रम हमारे गुरुदेव मुनि श्री अविचल सागर जी महाराज और वीरेश रत्न सूर्यश्वर स्वामी जो श्वेतांबर महाराज के साधु हैं उनके सानिध्य में एक संवाद है समाज की एकता के लिए, और कुछ बिंदु हमारे समाज में छूट जाते हैं उन सबको हम एक मंच से, इस मंच से उठाना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे मंदिरों में अभी कमेटियाँ हैं, उन सबको एक सूत्र में बांधने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। हर समय हर 2-3 महीने में एक बैठक का इस टाइप की प्रस्ताव है, लेकिन ये बैठक पहली प्रथम बार ऐसी है जिसमें आपको ना मंच माला माइक, बिना फूल माला के, बिना अतिथि के, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में लीडर है। जो भी यहाँ बैठा हुआ है, जितने लोग भी आए, सब अपने आप में लीडर हैं और सभी अतिथि हैं और सभी मुख्य अतिथि हैं और सभी सामान्य नागरिक हैं। जिस तरह से जैन धर्म दो भागों में माना जाता है, दिगंबर श्वेतांबर के, इसमें सारी कमेटियाँ, इसमें श्वेतांबर समाज के भी हमारे साधु यहाँ विराजमान हैं, वीरेश रत्न सूर्यश्वर स्वामी, और सभी पंथ के लोग, हमारी जितनी भी आवनाएँ जैन समाज के हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, मुमुक्षु मंडल और हम उपजातियों में भी जितने हैं, एक प्रत्येक व्यक्ति इसमें शामिल है। पूरा शहर का जो हमारी क्रीम कह सकते हो ग्वालियर की, हमारे जैन समाज की, वो सब विद्यमान है। बड़ी बड़ी कमेटियाँ, बड़ी बड़ी संस्थाएँ, सब कुछ यहाँ पर। आप जिले के लिए रखा गया है या फिर? ये ग्वालियर जिले के लिए है, अभी फिलहाल ऐसा अपने पास कोई प्लेटफार्म नहीं है, ऐसा महाराज श्री का कहना है कि 75 जनालयों की कमेटी हम यहाँ पर निर्माण करें जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, जो जनालय सदस्य हो, व्यक्तिवाद को बढ़ावा नहीं देना है हमको। अब संस्था जो हमारा मंदिर है वही हमारा इसका सदस्य हो, उसका जो भी पदाधिकारी आगे पीछे आता रहेगा वो उसका सदस्य बनता रहेगा, लेकिन मंदिर उसमें मेंबर होगा जितने भी। श्रीमद भागवत महापूर्ण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक तेली के बजरिया नया बाजार में किया जाएगा। इसके लिए एक कलश यात्रा सनातन धर्म मंदिर से कथा स्थल तक निकाली गई।
ये कलश यात्रा अभी सनातन धर्म मंदिर से नायक साहब की बैरिया नए बाजार कालका देवी मंदिर पे है। आज कलश यात्रा है और कल से यानी प्रारंभ तो आज ही हो गई, एक कथा कल से शुरू होगी। आज केवल कलश यात्रा पूजन है। कथा सुनने का अपन ने 1 बजे से 5 बजे तक रखा है, जिससे क्या सभी लोग फ्री हो गए इस कथा का लाभ ले सके। इस कथा को सुनाने के लिए महाराज जी वृंदावन से आए हैं, विनयकांत त्रिपाठी जी, जो कि उनकी ये 5वीं कथा है इसी स्थान पर माँ कालका देवी के मंदिर में 5वीं कथा है। इसका समापन 7 तारीख को है भंडारे के साथ। भंडारी की प्रसादी शाम 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक रहेगी। लगभग 7,000 आदमी का खाना ये प्रसादी यहाँ होती है। मेरा सुधीर सिंह राठौर। ग्वाली में पूजन सामग्री का कारोबार शुरू करने एक दोस्त द्वारा दूसरे दोस्त से होलसेल में सामान खरीदने की सलाह लेना पड़ा महंगा। सलाह देने वाले ने 5 लाख रुपए तो लिए लेकिन सामान नहीं दिया। दरअसल मदने की कोट भावका बाजार निवासी विपिन बिहारी गोयल ने 1 साल पहले पूजन सामग्री शुरू करने का कारोबार करने की प्लानिंग की। विपिन बिहारी का दोस्त मोटे गणेश जी के पास रहने वाला पीयूष शर्मा पहले से ही पूजन सामग्री का कारोबार कर रहा था। उचित दाम पर गुणवत्ता वाली पूजन सामग्री खरीदने के लिए विपिन बिहारी ने पीयूष से बात की। वहीं पीयूष ने विपिन को बताया कि वह 5 लाख की व्यवस्था कर ले। इस राशि में चंदन की लकड़ियों के कट्टे, तुलसी की मालाएं, पीतल की मूर्तियां व अन्य सामान खरीदवा देगा। फरियादी ने भरोसा कर पीयूष शर्मा को 5 लाख रुपए 10 अक्टूबर 2018 को दिए, लेकिन सामान उसे अब तक उपलब्ध नहीं कराया। वहीं जब फरियादी विपिन बिहारी ने अपने दोस्त पीयूष शर्मा से पैसे वापस मांगे, लेकिन वह 1 साल गुजर जाने के बाद तक उसे पैसा और सामान नहीं दे रहा है, तो उसने जनगण थाने पहुंचकर अपने दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उसमें विपिन बिहारी गोयल नाम का व्यक्ति की शिकायत आई थी कि पीयूष शर्मा जो बाड़े पर हवन पूजा सामग्री की दुकान करते हैं, उनने इसको विपिन बिहारी गोयल को दुकान खुलवाने के लिए सामान देने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे, तो उसने 5 लाख रुपए दे दिए थे। 10-10-18 की बात है, तो जब से उसको ना तो सामान दिया और ना उसके पैसे लौटा रहे। कई बार वो मांग चुका, टालम टूल करते रहे, और इसके बाद और उसको 2 चेक भी दिए, तो चेक उसने लगाया, तो चेक तो एक कोई किसी दूसरे व्यक्ति का चेक दे दिया है, उसके पीयूष के खाते का नहीं है, एक पीयूष के खाते का है। तो इस प्रकार से न तो उसके पैसे दिए और ना सामान दिया, तो उसके शिकायत पर से प्रकरण पंजीबद्ध हो गया है और विवेचना आगे की जा रही है। क्या है, ग्वालियर शहर के लोगों ने शिवपुरी जिले में 2 दलित बच्चों की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। दरअसल शहर के ठाटीपुर चौराहे से बहुजन समाज पार्टी, समग्र समाज और वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक कैंडल पैदल मार्च फूलबाग चौराहे से अंबेडकर पार्क तक निकाला, जहां लोगों ने पार्क में कैंडल को रख शिवपुरी जिले में हुई 2 बच्चों की हत्या को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं प्रदेश सरकार से मांग की है कि पकड़े गए जिन हत्यारों ने बच्चों की निर्मम रूप से हत्या की है, उन्हें फांसी की सजा भी दी जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और 1 नौकरी उस परिवार को दी जाए। वहीं चेतावनी दी है कि अगर उन्हें फांसी की सजा नहीं दी जाती है, तो लोग सड़कों पर उतर का आंदोलन भी करेंगे। मेरा शुभ नाम मकरन सिंह बौद्ध है और मैं सम्यक समाज संघ एस3 से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभारी हूँ। ये हमने रैली ठाटीपुर चौहान पे से निकाली और फूलबाग मैदान गेट पर समाप्त होगी। हमारी मांग इस प्रकार है कि जो रोशनी और अविनाश की जो निर्मम तरीके से हत्या की गई, और बड़ी शर्मिंदाजनक तो बात यह है कि जैसा कि जब आरोपियों को प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किया गया और जब हाकिम सिंह यादव है जो उससे पूछा गया भैया आपने बच्चों की हत्या क्यों की, तो क्या कहता और क्या वक्तव्य देता हमारे SP महोदय के सामने कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें भगवान ने मुझसे आकर कहा कि राक्षसों का वध कर दो। तो मैं कहना चाहता हूं SP महोदय जी से कि आपको इस बात पर कटाक्ष करना चाहिए था और आरोपी को डांटना चाहिए था। भैया ऐसा कौन सा भगवान है जिस वाल्मीकि की वजह से आज संपूर्ण भारत में स्वच्छता अभियान लहराया जा रहा है, स्वच्छता अभियान का झंडा लहराया जाता है, और उस वाल्मीकि समाज के बच्चे बच्चियों को राक्षस बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन के बाद जो 302 की कायमी होनी चाहिए थी, वो 302 की कायमी ना होते हुए 302 एक ही कायमी हुई, जिसमें गैर इरादतन हत्या का प्रयास माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कायमी हुई, हम इससे संतुष्ट नहीं है और हम ये चाहते हैं
आरोपियों ने सोची समझी साजिश के तहत दोनों बच्चों की हत्या की है। मैं बता देना चाहता हूं, आज हम बात कर रहे हैं वाल्मीकि समाज की, ये मेला ढोने के चक्कर में जैसे कि बच्चे लेटरिंग कर रहे थे, सोच करने के लिए गए थे, बताया जाता है कि सोच करने के दौरान वो ट्यूबवेल के सामने बैठ गए, तो उस दौरान उन यादव वर्ग के लोगों ने उन दोनों बच्चे बच्चियों की हत्या कर दी। तो साथियों, आज इस वाल्मीकि समाज को मेला ढोते ढोते, मैं बता रहा हूं आपको, मेला ढोते ढोते सदियां गुजर गई हैं, अगर ये वाल्मीकि समाज कहीं एक सूत्र में बंध गया तो हो सकता है आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और रही बात हमारी मांगों की, तो हम ये चाहते हैं कि जब तक आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती, और कड़ी सजा में हमारी एक ही मांग है कि आरोपियों को फांसी दो। हमारी दूसरी मांग है कि आरोपी के पीड़ित परिवार के पिता को 50 लाख का मुआवजा मिला जाए, दिया जाए। क्यों दिया जाए कि अभी कुछ दिनों पहले गणेश जी विसर्जन के दौरान भोपाल में 11 लोग डूबकर मरे थे, या तो निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई है, और अगर समय के रहते कमलनाथ सरकार ये 50 लाख मुआवजे की मांग पूरी नहीं करती है, परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी नहीं देती है और उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है, तो संपूर्ण बहुजन समाज, सम्यक समाज संघ और वाल्मीकि समाज जन आंदोलन करेगा इसमें। ग्वालियर में घर में पड़ोसी युवक के आने जाने को लेकर शुरू हुए विवाद में 3 लोगों ने मिलकर हेडपंप के हत्था सिर में मारकर थाटीपुर निवासी लीला शाके की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ठाटीपुर थाना क्षेत्र के नदी पार टाल की कटियानी गली निवासी 35 साल की लीला साक्य के पति केसरिया साक्य ने 3 साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घर में लीला अपनी 13 साल की बेटी पलक के साथ रहती है, जिसे उसने 10 साल पहले गोद लिया था। महिला के पति 4 भाई थे, उसी मोहल्ले में सभी के मकान हैं, पर कुछ समय से पति के भाई सुनील साक्य से उसका विवाह चल रहा था। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पास ही रहने वाले रवि वाल्मीकि का घर पर आने जाने को लेकर शुक्रवार सुबह लीला व उसकी जेठानी लीलावती के बीच विवाद हुआ था। इसी का बदला लेने रात 2 बजे जेठ सुनील, जेठानी लीलावती और भतीजा टिल्लन हाथ में हेडपंप का हत्था लेकर घर में घुस आए। दरवाजे में लात मारकर वह अंदर पहुंचे ही थे कि लीला की नींद टूट गई। इनको देखकर वह बाहर की तरफ भागी, लेकिन दरवाजे पर नाली में कीचड़ व फंस कर वह गिर गई। इसके बाद भतीजा टिल्लन ने लोहे के हत्थे से उसके सिर पर एक के बाद एक कई हमले किए, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। वहीं 13 साल की पलक माँ से दूर दूसरे कमरे में सोने से बच गई। जब हत्या आरोपित उसकी माँ को मार रहे थे, तब वह घर में ही थी। हमलावर उसके पास पहुँचते उससे पहले ही दीवार फांद कर वह दूसरी गली में पहुँच गई, जहाँ सरदार जाटव के घर पहुँचकर डल 100 को कॉल किया, फिर थाटीपुर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर सबको बरामद किया। सुबह तक सुनील, लीलावती और टिलन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। भाई जब जो घटना हुई सुबह बाद में पकड़े, क्या पूरा मामला निकला और क्या घटना थी उसमें? लीला पत्नी केसरिया साक्य की हत्या की सूचना पर मौके पर पुलिस ने पंचनामा किया था। आरोपी मौके से तत्काल घटना करने के उपरांत भाग गए थे। मुखबिर की सूचना पर 52 पायगाम में उनके रिश्तेदार के यहाँ से जब आरोपी दिल्ली भागने की फिराक में थे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और आरोपियों से जो घटना में प्रयुक्त हैंडपम्प का डंडा है वो भी जब्त कर लिया है। इसके अलावा आरोपी टिल्लन के खून से सने हुए कपड़े, जो घटना में उसके द्वारा मर्डर किया था, हत्या के समय मृतका के खून के छींटे उसके कपड़ों पर आ गए थे, वो भी जब्त कर लिया है, और आरोपियों को कल माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। क्या नाम है तीनों के और क्या वजह नहीं बता रहे? आरोपियों के नाम क्रमशः सुनील साक, टिल्लन साक और लीला देवी साक हैं। इनके द्वारा यह कहानी बताई जा रही है कि मृतका लीला के पड़ोस के एक रवि वाल्मीकि से लगातार संबंध है, और उसके आने जाने से इनको काफ़ी दिक्कत थी, और इसी के चलते कल रात को यह घटना घटित हुई है। लेकिन मकान संपत्ति की बात सामने आई है? संपत्ति में ऐसा कोई रिकॉर्ड पर नहीं है, ना ही कोई रिपोर्ट है, लेकिन चारों जो भाई हैं इसके सुनील के, चारों को इनके पिता द्वारा पृथक पृथक स्वतंत्र मकान बनाकर दिए गए थे, और अभी चारों अपने अपने मकानों में रह रहे थे। तो मतलब अवैध संबंध के कारण? नहीं, अवैध संबंध तो आरोपी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया कि मृतका के अन्य किसी से अवैध संबंध थे। ग्वालियर का प्राचीन मांडरे वाली माता का मंदिर ग्वालियर के अलावा देश भर में अपनी अलग पहचान रखता है। खासकर नवरात्रों के दौरान हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। ग्वालियर में स्थित 177 साल प्राचीन मां मांडरे वाली माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि मंदिर की स्थापना आनंद राव मांडरे के द्वारा की गई थी। आनंद राव मांडरे उस समय के सिंधिया राजवंश के राजा जियाजी राव सिंधिया के यहाँ पर कर वसूली का काम करते थे, और माता ने उनके सपने में आकर उनसे मंदिर स्थापित करने का आदेश दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र स्थित पुणे के पास मांडर गांव से ग्वालियर लाकर माता की स्थापना की गई। जिस वक्त मंदिर बनकर तैयार हुआ था, उस समय 40 रुपये पुजारी को दिए जाते थे, जिसको बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है। पहली माल नवरात्र है, क्वार की नवरात्र कहलाती है। आज देवी जी का ज्वारे और खंड ज्योति जलती है, ये 9 दिन का मेला रहता है।
नौ दिन में देवी अलग अलग रूप नौ दिन को बदलती है। उसमें पहली माल, दूसरी माल, तीसरी माल, अष्टमी को यहाँ महाहवन होता है। जो सप्ताह बैठता है दो दो घंटे का, उसका पूरी आरती निकल के करती है। नौमी को यहाँ पर महाराजा ज्योतिषा राजे सिंधिया आते हैं, दशहरे के दिन सिंधिया जी आते हैं और नीचे दशहरे का मैदान है वहाँ शेखर पूजा होती है। उसमें सिंधिया जी अपने बराबरी वालों से और समाज से मेल जोल करके दशहरा मिलन करते हैं। महानवमी यहाँ बनती है जिससे भंडारा होता है, पालकी चल समारोह होता है, जिससे यहाँ से सीधे अपन नए बाजार से होते हुए सीधे दौलतगंज, दौलतगंज से महाजी चौक और महाजी चौक से बने रहते हैं। मंदिर की क्या मान्यता है? मंदिर की देवस्थान आनंद राव मांडरे ने स्थापना की थी। जिस समय पे आनंद राव को सपना हुआ, उन्हें जियाजी राव को बताया, जियाजी राव ने मंदिर की परमिशन दी थी। ये की स्थापना में सिंधिया राजवंश का बहुत योगदान रहा और उन्होंने मंदिर का निर्माण भी इस खास ढंग से करवाया है कि मंदिर सिंधिया महल के ऊपरी हिस्से में बने कमरों से सीधे दूरबीन के द्वारा माता के दर्शन किए जा सकते हैं। वैसे तो साल भर ही माता के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन खास तौर पर नवरात्रि में माता के नौ रूपों की पूजा यहाँ की जाती है। हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ देश भर से दर्शन के लिए पहुँचते हैं। नवरात्रि में नौमी व दशहरे के दिन सिंधिया राजवंश की ओर से मंदिर में विशेष पूजा की जाती है और सिंधिया महाराज की ओर से दान दिया जाता है। साथ ही महाराज के हाथों से सोना लूटने की रस्म भी निभाई जाती है। माता के दर्शन करने से अच्छा लगता है, थोड़ा मन को शांति मिलती है। यहाँ बहुत प्रसिद्ध माता है ये, यहाँ काफी सालों से आ रहे हैं, लगभग 10 साल हो गए, हर नवरात्रि को आते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन बीना में मां जागेश्वरी की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल हुए। बीना से हमारे संवाददाता लक्ष्मण सिंह राजपूत की खास खबर। खबरें अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक लिए नमस्कार।